बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से बेनतहा सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और मजेदार से। आइए चलिए बना लेते हैं चिकन डोनट्स। चिकन डोनट्स की रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आज हम बनाएंगे इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से। चिकन डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 250 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन, उसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। साथ में यहाँ शामिल करेंगे मसालों में 2 चम्मच चिकन पाउडर के, 1 चम्मच चिकन का मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक के बराबर। अब चिकन को थोड़ा जूसी बनाने के लिए इसमें स्पेशल सॉस ऐड की जाएगी, जिसमें मैंने चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस और ऑरिगैनो ऐड किया है। इसको मिक्स करके हम चिकन में शामिल कर लेंगे और इसका जबरदस्त सा मिक्सचर बना लेंगे। ये रेसिपी बेनतहा मजेदार होती है, लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है, हेल्दी एंड जबरदस्त। अब फ्लफीनेस के लिए हम एक अंडे की एडिशन करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स आप घर में रखा हुआ भी ले सकते हैं। अब इस बैटर को अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, इससे हमारी और हिम्मत बढ़ती है और दिल चाहते हैं आपके लिए मजेदार सी रेसिपीज लेके आते रहें। तो यहाँ पे अच्छे से आप कीमे को मिक्स कर लेंगे। आपने यहाँ पे चिकन की मिकदार जितनी भी अपनी मर्जी से लेनी है आप ले सकते हैं, मुझे इतनी ही जरूरत है तो मैंने 250 ग्राम के बराबर ही ली। अब यहाँ पे ऑयल को अच्छे से हाथों पे ग्रीस कर लेंगे और इसी तरह बिना सांचे के मैं आपको डोनट बनाना सिखाऊंगी। इसी तरह हम इसको कबाब को शेप दे लेंगे, जिस तरह आप देते हैं। फिर बीच में आप इसको फिंगर रख के होल कर लेंगे। यहाँ पे आपके जबरदस्त से डोनट के शेप्स रेडी हो जाएंगे। चिकन डोनट्स को आप इजिली 1 मंथ के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, जो मॉम्स बिजी होती हैं या फिर आप बच्चों को स्कूल में इस तरह देना चाहते हैं तो आप फ्रीज करके रख लीजिए। आप इसको 1 मंथ तक इजिली बना सकते हैं। 250 ग्राम में मेरे 15 डोनट बने थे, अगर आप 500 ग्राम लेंगे तो ऑलमोस्ट 30 से 35 बन ही जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम प्रिजर्वेटिव से थोड़ा अवॉइड करेंगे और अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाएंगे या अपने घर वालों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको पैन फ्राई करूँगी, मैंने इसको बिल्कुल भी कोई डीप फ्राई नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा तेल रख के अब हम इसके चिकन डोनट्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा, वरना आपके जो क्रिस्पीनेस है वो भी खत्म हो जाएगी और ऊपर से आपके डोनट जल भी जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर आपने बताना है। आपके बहुत